नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। बड़ी खबर मिल रही है राजधानी पटना से। केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री अश्वनी चौबे पर स्याही फेंकी गई है। ये घटना पटना के पीएमसीएच अस्पताल में हुई है। आपको बता दें कि अश्वनी चौबे दौरा करने पहुंचे थे पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का, और इसी दौरान उनके साथ ये बड़ी घटना हुई है। युवक था एक जो कि अचानक से सामने आया और उनके ऊपर स्याही फेंक दी। उनके ऊपर जो स्याही फेंकी गई है वो गाड़ी के ऊपर भी गई है और उसके साथ ही साथ उनके चेहरे पर भी स्याही लगी है। हालांकि जो सुरक्षाकर्मी मौजूद थे अश्वनी चौबे के सुरक्षा में, वो इस युवक को पकड़ नहीं सके। युवक फरार होने में कामयाब हो गया। आप बताते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या। पहले पटना में बारिश के बाद जबरदस्त तबाही और उसके बाद जैसे ही पानी उतरा वैसे बीमारियां फैल गईं। डेंगू का प्रकोप पटना में देखने को मिल रहा है, एक की मौत भी बताई जा रही है। और इसके साथ ही साथ पटना के पीएमसीएच अस्पताल में लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। डेंगू को लेकर के अलग से वार्ड बनाया गया है, डॉक्टरों की टीम गठित की गई है, लेकिन राजधानी पटना में डेंगू का कहर इस कदर फैल रहा है कि कोई भी इलाका अछूता नहीं है। अगर आप पटना में रहते हैं तो आप जान रहे हो कि आपके इलाके में भी गली गली ब्लीचिंग पाउडर डाला जा रहा है और मच्छरों को दूर करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इन्हीं सब को लेकर के अश्वनी चौबे पटना के पीएमसीएच दौरा करने के लिए पहुंचे थे और उनके साथ यह बड़ी घटना हो गई है। अब जो है कि लोग विरोध भी कर रहे हैं। अगर आपने पटना की कल की तस्वीर देखी होगी तो पटना की सड़कों पर लोग उतरे थे और मुआवजा मांग रहे थे बीमारियां फैलने की वजह से। सरकार के सामने अपनी गुहार को पेश कर रहे थे कि जैसे ही पानी उतरा है पटना के इलाकों में तो उसके बाद बीमारियां फैलनी शुरू हो गई है। अश्वनी चौबे केंद्रीय मंत्री हैं, पटना के पीएमसीएच पहुंचते हैं और उनके साथ ये बड़ी घटना हो जाती है। उनके ऊपर स्याही फेंकी जाती है और उसके बाद से अब पुलिस जो है हरकत में आई है और उस युवक को जिसने स्याही फेंकने का काम किया है उसको ढूंढने की कोशिश की जा रही है, लेकिन युवक फरार हो चुका है। कुल मिलाकर के पटना में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। गली गली में जो छिड़काव है वो किया जा रहा है, ब्लीचिंग पाउडर डाले जा रहे हैं, लेकिन इस बीच लोगों का विरोध भी सामने आने लगा है। विरोध पटना के पीएमसीएच तक पहुंचा। अश्वनी चौबे स्याही के शिकार हो गए। अरे रुके ना, चश्मा पहन ले, क्या दिखा दे रहा है? अश्वनी चौबे के साथ ये घटना उस वक्त हुई जब वो दौरा करने के लिए पटना के पीएमसीएच पहुंचे थे। ये वही कार है जिसमें बैठ करके अश्वनी चौबे पटना के पीएमसीएच के अंदर घुसे थे और उनके साथ ये बड़ी घटना हो गई। एक युवक आया अचानक से और उनके ऊपर स्याही फेंक कर चला गया। जो सुरक्षाकर्मी थे वो खदेड़ते रहे लेकिन वो युवक भागने में सफल हो गया। तो अश्वनी चौबे स्याही के शिकार हो चुके हैं पटना के पीएमसीएच अस्पताल में। अरे रुके ना, चश्मा पहन ले, क्या दिखा दे रहा है? आप लाइव सिटी साथ बने रहिए। आपको बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार अपडेट दे रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, Facebook पेज लाइक करें और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।